जितनी इतनी भर्तियां निकाली गई, ऐसी कौन सी भर्ती जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ? आप उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, नीच प्रदेश बनता जा रहा है। प्रोटेस्ट के दौरान बहुत ही अभद्रता की गई, महिलाओं के साथ कपड़े फाड़ दिए गए, कपड़े खींच दिए गए, जातिगत गालियां दी गई। तो वोट लेना होता है बहन जी, माता जी, पैर छू लेंगे आप। नौकरी की देने की बारी आती तो हम ओबीसी एससी एसटी में बढ़ जाते हैं। मैंने बीएससी करने के बाद में बीएड बीटीसी सब कुछ किया हुआ है, लेकिन इधर साइड के जितने भी फॉर्म आए हैं मैंने एक फॉर्म क्यों नहीं डाला है? क्योंकि मेरा यकीन खत्म हो चुका है। ऐसा तो नहीं है प्रशासन अपने आप कहीं लाठियां चलवाने लगता है, ऐसा नहीं है चलाने लगता, उनको भी तो कहीं से ऑर्डर आता है। जैसा कि सबका साथ अपनों का विकास। हम आपको लगातार दिखा रहे थे एसएससी स्टूडेंट जो है दिल्ली में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2018 में उन्होंने एग्जाम दिया था, अभी तक जॉब नहीं लगी। अब अगर बात कर ले लखनऊ की तो 69,000 शिक्षक जो है वो अपनी भर्ती के लिए आए थे 2019 में, इन्होंने एग्जाम दिया था। मोदी सरकार एक तरफ कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी के हमेशा बात करती, बेटी के ऊपर बात करती है, हम एक है बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन यहाँ बेटियाँ खड़ी हुई हैं। बेटियों से जानेंगे क्या सच में विकास हुआ, क्या ये जो प्रोटेस्ट कर रहे काफ़ी महीनों का, आपको बता दूं कि एक महीने से ऊपर होता जा रहा है, क्या इनको कहीं से भी उम्मीद मिली कि इनको नौकरी मिलेगी? मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी कोई उम्मीद मिली आपको सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ? पहले तो हम आपको ये बता दें, ये 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला का मैटर है, इसमें आरक्षण का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और उम्मीद तो ये काफ़ी दिनों से उम्मीद ही दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने एक दिन बुलाया था कि एक हफ्ते में आप लोगों का निस्तारण हो जाएगा, फिर खुद चले गए, वो मिले नहीं। तो निस्तारण हम किस बात पर, हम तो आश्वासन ही मिल रहा है और साल भर से आश्वासन मिल रहा है। हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग वहाँ से जीत भी गए हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जीत गए हैं और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन इनकी खुद की बनाई संस्था की बातें ये खुद नहीं मान रहे हैं, उसको कचरा ही समझ रहे हैं। अगर उसकी बात होगी, कहते हैं हमें तो कोई रिपोर्ट मिली नहीं है, हम इस रिपोर्ट को मानते नहीं हैं। तो आप अगर इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं तो आपको ये चीज़, आपने ये संस्था बनाई क्यों? झुंझुना पकड़ाने के लिए हम लोगों को ओबीसी और एससी को क्या पकड़ा, क्या दिया है आपने? सरकार तो बोलती ना सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ ही। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो ये जो भीड़ दिख रही है ये कहाँ से आती? इन लोगों का विकास क्यों नहीं हुआ? 69,000 शिक्षक भर्ती में ये इन्होंने सबका साथ सबका विकास जाहिर ऐसा किया, सबका साथ अपनों का विकास, मतलब अपनों में चाहूंगा अपनों में ये सब, जो ओबीसी की सीटें हैं, यहाँ तक कि एससी की भी सीटें और जो फिजिकल हैंडीकैप उनका भी 1% इन्होंने नहीं दिया था, वो उठा के सारी सीटें ये इन्होंने सवर्णों को दे दी। सवर्ण ही तो इनके अपने हुए। ये जब वोट लेना होता है, वोट की राजनीति जब करनी होती है, तब तो हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं और हिंदू हिंदू करके ये ओबीसी एससी, जब हमें नौकरी की देने की बारी आती तो हम ओबीसी एससी एसटी में बढ़ जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी योगी जी ने कहा कि हम सबके साथ काम कर रहे हैं और अब देखा जा रहा है कि आप लोग रोड पे हो, लगातार मांग कर रहे हो, इस घोटाले को आप लोग किस तरीके से देख रहे हो? देखिए, घोटाला तो हुआ है, ये योगी जी भी जानते हैं, सतीश द्विवेदी भी जानते हैं, ये सबको पता है, अंदर बैठे हर एक इंसान को पता है कि गड़बड़ की गई है। 2.5 साल के अंदर आप लोगों ने एक भर्ती ली, आप उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं। 68,500 आपने ली, उसमें भी गड़बड़ की गई है, उसकी गड़बड़ को नहीं संभाल पाए, आप नई भर्ती निकालते हैं। आप यहाँ भी नहीं सुधार करना चाहते हैं, वहाँ भी सुधार नहीं करना चाहते हैं, कितनी गड़बड़ करते रहेंगे? तो जो भर्ती 2022 में अगर आती सरकार तो हम नौकरियाँ देंगे फिर से? जी नहीं, वो कुछ नहीं देंगे। मैं यही यहाँ पे बैठे हर लोगों को कहती हूँ कि आप यहाँ पे अगर शामिल नहीं होंगे तो आगे जो भर्ती आएगी उसमें भी वही होगा। जितनी इतनी भर्तियां निकाली गई, ऐसी कौन सी भर्ती जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ है? ऐसी कोई पेपर लीक हुआ है? पैट का पेपर लीक, कितने पेपर लीक हुए हैं? हरियाणा पुलिस का जो आपका पेपर था, बच्चे सेंटर पे पहुंच के वापस हो रहे हैं। हर जगह धरने क्यों हो रहे हैं? पहले इतने धरने नहीं होते थे, अब इतने धरने क्यों हो रहे हैं? गलतियाँ हो रही हैं, इससे धरने हो रहे हैं। बस ये लोग अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, आप कितनी आवाज़ दबाएंगे? सरकार तो सुन नहीं रही है, शायद सरकार तक बात ना पहुंच रही हो आपकी। सरकार तक बात नहीं पहुंच रही है या सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है, वो सरकार जान सकती है, क्योंकि बात पहुंचाने वाले जो बीच के हैं वो भी गड़बड़ कर रहे हैं, ऊपर हैं वो भी अनसुना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बात नहीं पहुँच रही है, यहाँ पे बैठा हर एक इंसान बेवकूफ़ नहीं है। आप अपने टॉपिक उठाने होते आप उठाते हो, ये टॉपिक आप तक पहुँचा नहीं है। 70-71 दिन हो रहे हैं, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप तक कैसे बात नहीं पहुँची है? बात को आप इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं देना चाहते हैं। तो क्या करेंगे आप लोगों ने क्या सोचा हुआ? अगर सरकार नहीं सुन रही तो सुनाने के लिए कहाँ तक जाएंगे आप लोग? जहाँ तक जा मिलता है।
जहाँ तक जहाँ मिलता है, मैं विपक्ष से सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ हमारी सबकी सुनिए, वरना आप लोग समझ नहीं सकते 2022 में क्या ही होना है। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, नीच प्रदेश बनता जा रहा है, नीच प्रदेश बनता जा रहा है। आप कहते हो सबका विकास हो रहा है, किसका विकास हो रहा है, सब ठप हो जाएगा, सब ठप हो जाएगा। लोग फॉर्म मैंने खुद ने, मैंने तो बेस्ट सीएम बताए जाते हैं ना अपने आप में, मैंने बीएससी करने के बाद में बीएड बीटीसी सब कुछ किया हुआ है, लेकिन इधर साइड के जितने भी फॉर्म आए हैं मैंने एक फॉर्म क्यों नहीं डाला है, क्योंकि मेरा यकीन खत्म हो चुका है। आप फॉर्म के दम पे पैसे इकट्ठे कर रहे हो, बंद हो जाएगा, कोई फॉर्म नहीं डालेगा। पढ़ाई जब से कोरोना के नाम पे आपने सब कुछ बंद करवा दिया है, जितने प्राइमरी स्कूल है ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कोई अपना फॉर्म भरे जी, बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, बहुत बड़ा घोटाला, आप खुद समझ सकते हैं। मैं जिस दिन मैंने 2018 में शुरू किया था, मुझे लगा था 6 जनवरी को मेरा पूरा यकीन हो चुका था कि मेरी जॉब पक्की है, लेकिन इस जाए साल में इतनी मानसिक तैरना काउंसिलिंग के लिए, उसके लिए भी दौड़ाना है। 19 का था आप लोगों का जी, 6 जनवरी 2019 को हम लोगों का एस्टेट का एग्जाम हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा था 7 जनवरी को बता दिया गया था कि 90-97 वाले जितने हैं खुश हो जाएं, हम लोग खुश हो चुके थे। अब कैसा लगता है जब इतने टाइम होने के बाद भी आप लोगों को नौकरी नहीं मिली, निराशा हाथ लगती है आप लोगों को? निराशा हाथ है, लेकिन कोई आशा भी होती है, इसीलिए यहाँ पे टिके हुए हैं। 2.5 साल में लोगों की उम्मीद टूट जाती है, हम उम्मीद तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक है। ठीक है, मेरा भगवान पे जब तक यकीन है मैं उम्मीद रखूंगी, और मैं तब तक नया फॉर्म इसलिए नहीं भरूंगी क्योंकि तो आप फॉर्म के दम पे क्या कर लोगे, आप हर भर्ती तो लगातार भरते हैं। अभी देखिए, अगर बात की जाए दिल्ली में, मैंने अभी बताया कि बच्चे बैठे हुए 2.5 साल से ऊपर हो गया, वो भी यही सेम मांग रहे हैं, 1,10,000 बच्चे। आप ये अभी मैं जूनियर एडिट में आपने कितनी निकाली, 69,000, उसमें कितनी निकाल रहे हो, कितना हम लोग यकीन करेंगे आप लोगों पे? अब यकीन खत्म हो रहा है, अगर अब भी आप नहीं सुधरे ना सारा यकीन खत्म हो जाएगा। आप ऐसे मत करिए, बस सुधरना होगा अब आपको। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपके हाथ में चोट लगी है, क्या ये इस वजह से चोट लगी है, कोई और वजह थी? जी ये प्रोटेस्ट आज 72वां दिन है, तो ये इतने दिन से चल रहा है, इसी दौरान मतलब हम बहुत सारी हम लोगों ने हर जगह हमने अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी पीड़ा रखनी चाहिए, ताकि हमारी समस्याओं का निराकरण कहीं से हो। ये हम प्रोटेस्ट की वजह से हुआ? हाँ जी, हम लोग ये भाजपा कार्यालय पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग स्वतंत्र देव जी से सिर्फ अपनी बात रखना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या वहाँ पे, ऐसा तो नहीं है प्रशासन अपने आप कहीं लाठियाँ चलवाने लगता है, ऐसा नहीं है चलाने लगता, उनको भी तो कहीं से ऑर्डर आता है जी। ये कहीं से ऑर्डर आता है कि हाँ भैया इन्हें हटाओ, चाहे उस उनके ऑर्डर को फॉलो करते हुए चाहे कोई मर जाए, कोई का हाथ टूट जाए, किसी के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाए, उन्हें उनसे मतलब नहीं है। उस प्रोटेस्ट के दौरान बहुत ही अभद्रता की गई, महिलाओं के साथ कपड़े फाड़ दिए गए, कपड़े खींच दिए गए, जातिगत गालियाँ दी गई। अब हाँ विशेष खास तौर से मतलब लोग जाति सूचक शब्दों का यूज करते हैं ये, ताकि मतलब हमें नीचा दिखा सके, मतलब क्या हम लोग पढ़ लिख के शिक्षित होके क्या यहाँ जॉब के लिए आए? आपकी गलतियों के कारण हम, आपकी गलतियों, आपके घोटाले की वजह से आज हम आज इस धरने को में बैठे हैं, और अयोग्य आप हमें बता रहे हो, ये अयोग्यता आपकी है, आपने हमारा हक अधिकार छीन के अपने लोगों में बांट दिया। इस तरीके से देखते हैं आप इस सरकार को इस समय? ये सरकार जो इनकी मतलब गतिविधियां दिख रही हैं, इनके जो बातें आते मतलब जो देखते हैं, उससे ये पता चल रहा है कि इस पिछड़े और दलित का केवल साथ अपना विकास करने के लिए चाहती है, ये हमारा विकास कहाँ कर रही है वो हमें नहीं दिख रहा है, ये केवल पेपरों में, अखबारों में, मीडिया में केवल हमारा नाम लेकर, जो इतने जागरूक नहीं हैं, केवल उनसे वोट ले रहे हैं, वोट लेने का काम, सिर्फ केवल हमें वोट की राजनीति के लिए यूज़ किया जाता है। जब हमसे वोट लेना होता है, बहन जी, माता जी, पैर छू लेंगे आपके, लेकिन जब हम अपने अधिकार की बात करेंगे तो ये हमारे हाथ पैर तोड़ देंगे, हम पे लाठियां चलवाएंगे। ये आज से नहीं है, बीजेपी सरकार 2014 में भी ये कार्य कर चुकी है, लेकिन 2017 में फिर आई थी और वो भी बहुमत के साथ आई थी, तो क्यों लोगों ने वोट दिया? लोगों का एक अंधविश्वास जो है कि
ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत गया, एक मौका और दिया गया, अब इनको मौके कितने दिए जाएंगे, ये कितने मौके दिए जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि 70 साल अगर कांग्रेस ने लूटा तो हमें वक्त लगेगा देश को संभालने। अच्छा, मतलब ये अच्छा है 70 साल कांग्रेस ने लूटा है, झोला लेके आए थे, चले जाएंगे। 70 साल कांग्रेस ने लूटा तो क्या इनको भी चुना गया इसलिए कि आप भी आइए लूटिए।